हेलो दोस्तों, तो मैं आज एक टीनेजर स्किन केयर को लेकर के आई हूँ, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, अंडर 200 है, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और ये लोकल मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले टीनेजर वालों के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। टीनेजर वालों को 3 चीज़ें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। पहला है क्लिंजिंग, दूसरा है टोनिंग और तीसरा मॉइस्चराइजिंग। ये तीनों चीज़ रोज़ दिन फॉलो करना चाहिए। के बाद बात करते हैं कि स्किन टाइप्स कैसी है। किसी की ऑयली रहती है, किसी की कॉम्बिनेशन रहती है। तो ये वीडियो दोनों टाइप के स्किन वालों के, और सॉरी, किसी की ड्राई भी होती है, 3 टाइप की स्किन रहते हैं। तो ये तीनों टाइप की स्किन वालों के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले हम क्लिंजिंग के लिए बात करते हैं। क्लिंजिंग के लिए मेरे पास यहाँ 2 फेस वॉश है। एक है लैक्मे की, एक है क्लीन एंड क्लियर की फॉर्मिंग फेस वॉश। ये क्लीन एंड क्लियर की फॉर्मिंग फेस वॉश ये ऑयली वालों स्किन के लिए बेस्ट है, जिसके बहुत ज़्यादा ऑयल आते हैं फेस पे। ये ऑयल को टोटली हटा देता है आफ्टर फेस वॉश। और ये 150 का है, 150 ml, और 150 का भी है। तो ये बहुत ही मतलब पॉकेट फ्रेंडली है, आप इजीली इसे अफोर्ड कर सकते हैं। एंड दूसरा बात करूँगी ये लैक्मे की, ये ब्लश एंड ग्लो, ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इससे कॉम्बिनेशन वाली स्किन भी इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट ड्राई स्किन वाला और ऑयली स्किन दोनों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये ड्राई स्किन वाले अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इसे। ये 100 समथिंग का है छोटा वाला, तो आप पहले छोटा वाला ले करके ट्राई कर लीजिए, उसके बाद बड़ा वाला लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा है, ये आपको आफ्टर फेस वॉश आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है। उसके बाद आती है टोनिंग की, तो टोनिंग के लिए मेरे पास टोनर यहाँ पे 2 है, और दोनों ही टोनर एक ही ब्रांड का है, बायोटेक की। और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल, तो 100% यहाँ पे आयुर्वेदिक लिखा भी हुआ है। तो 2 टाइप के टोनर है। फर्स्ट बात करेंगे कुकुम्बर टोनर, ये है ऑयली टाइप्स स्किन वालों के लिए, तो आप आफ्टर फेस वॉश ये टोनर यूज़ कर सकते हैं। ये टोनर बहुत ही अच्छा है, आपके ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज़ करके छोटा कर देता है। इसके बाद बात करेंगे ये बायोटेक की हनी वाटर, ये हनी है, तो इसमें ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हनी ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट इन्ग्रीडियंट्स होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। ये 175 की है, 120 ml, तो आप इजली से भी अफोर्ड कर सकते हैं। और इसकी भी 175 है। इसके बाद आती है मॉइस्चराइजर के लिए, तो मॉइस्चराइजर के लिए मेरे पास यहाँ 2 ऑप्शन है, एक है लैक्टोकैलामाइन, दूसरा है जॉनसन बेबी। लैक्टोकैलामाइन मैं सजेस्ट करूँगी ऑयली स्किन टाइप्स वालों के लिए, क्योंकि इसमें कैलामाइन लोशन है, जो कि ऑयली स्किन वालों में पिंपल की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो कैलामाइन लोशन पिंपल वाले स्किन को के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और कैलामाइन पिंपल के जो दाग होते हैं उसे भी धीरे धीरे रिमूव कर देता है। ये छोटा है, ये 60-65 रुपीज़ का सबसे छोटा वाला है, और ये आपके ऑयल को भी बैलेंस करके रखता है, तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। दूसरा बात करेंगे ये जॉनसन बेबी की, तो इसे ड्राई स्किन वाले आराम से लगा सकते हैं। जॉनसन बेबी एक बेबी प्रोडक्ट है, तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये 45 रुपीज़ की ओनली, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लिप्स के लिए। लिप्स के लिए सबसे बेटर तो ये बोरोलिन है, ये 10 रुपीज़ की, आप इससे भी अपने लिप्स को हाइड्रेट कर सकते हैं। और अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो हल्का सा कलर चाहिए, तो इस तरह के मेवलिन की जो बेबी लिप्स आती है उसे भी ले सकते हैं। ये 175 या अंडर 200 में आ जाएगा, इसे भी आप ले सकते हैं। और वीक में एक बार पैक लगाना चाहे तो मैं ये पैक बताऊंगी, हिमालया का जो प्यूरिफाई नीम फेस वॉश है, ये बहुत ही अच्छा, खासकर जिसके पिंपल वाले स्किन उनके लिए तो बहुत ही अच्छा। हिमालया भी एक हर्बल ब्रांड है, तो आप हिमालया भी का ये भी लगा सकते हैं। इसमें नीम और टर्मरिक दोनों चीज़ है, तो जो हमारे पिंपल और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो ये फेस पैक भी ले सकते हैं। ये 135 की है, एंड इसे वीक में एक बार आप लगा सकते हैं इस तरह के फेस पैक को। तो
अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।